महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन पहुंचे, जहां देवास रोड पर हेलीपैड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद थे। हेलीपैड पर स्वागत के दौरान महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देवास रोड हेलीपैड से रवाना हुए और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन में पहुंचे। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उपस्थित कक्ष में भी उपस्थित, क्योंकि स्थान छोटा पड़ गया था, सभी वैद्यराज आयुर्वेदाचार्य हमारे सभी आचार्य, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये महाकाल महाराज की पवित्र धरती उज्जैन सचमुच में ज्ञान भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम यहां होता है। इस पवित्र धरा पर बड़े पवित्र कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारे हुए। ये ज्ञान की भक्ति की कर्म की वैराग्य की भी भूमि है। ये अद्भुत भूमि है जहां आज भी अनादिकाल से लोक सेवा के कर्मों को प्रेरणा मिलती रही है। इस धरती पर पुनः आप सबका स्वागत है। लेकिन आज मैं औपचारिक भाषण में, उसके पहले मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब हम कभी बीमार हो जाते थे, छोटी मोटी बीमारी सर्दी जुकाम मारी कुछ होता था, तो हमारे घर में हमारी दादी माँ एक चूरण देती थी, जिसको हम अपनी भाषा में फटी बोलते थे। गाँव में हमारे बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में कृपा करके पधारे हुए भारत के अत्यंत यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, उनका मैं आप सबकी ओर से और मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। अभिनंदन। प्रथम महिला परम आदरणीय श्रीमती सरिता कोविंद जी, उनका भी हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे कर्मठ राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी, उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, आयुष के हमारे मंत्री जो आयुष डिपार्टमेंट में ऐसे शिक्षक जैसे अमृति मंत्री मोहम्मद जी हैं, भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल भेड़िया जी, जिन पर हम सबको नाज है, गर्व है, आयुर्वेद के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं हमारे वैद्य देवेंद्र। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।